इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, श्री विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन गुरुग्राम, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन सिविल लाइंस दिल्ली, श्री राजन जैन, श्रीमती मोनिका जैन जनकपुरी दिल्ली, श्री अनिल जैन, श्रीमती मधु जैन परिवार पोलो रोड दिल्ली, श्री राजीव जैन, श्रीमती संजुला जैन परिवार गुरुग्राम। फागुन मास की अष्टानिका में होने वाले श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान की आराधना हेतु आज संघ का विकासपुरी में आना हुआ। वैसे तो विकासपुरी में कई बार आए हैं, सबसे पहले 2014 में गुरुदेव के साथ में आए थे और उस समय भी यहाँ पर गुरुदेव के सानिध्य में सिद्ध चक्र महामंडल विधान हुआ था। हमें आचार्य सिंह ने कोई कॉलोनी भेजा था, उस समय यहाँ पर सिद्ध चक्र विधान की आराधना हुई थी। जीवन में इंसान मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो भोजन करने के साथ साथ में
भजन भी कर सकता है। अन्यत्र जो गति है, आप सुनते हैं गति चार होती हैं, देवगति, मनुष्य गति, नरक गति और त्रैजी गति। लेकिन तीन गतियों के जीवों को आप देख सकते हैं, तीन जाति के जीवों को आप देख सकते हो। कौन कौन से? मनुष्यों को, त्रैंचों को, देव और नारकी को देख नहीं सकते। लेकिन देव जैसा रूप आता है बोले देव होगा, बेशक तो दो गति के जीव हम देख सकते हैं, मनुष्य और त्रैंच। देव की कल्पना करते हैं कब? जब यहाँ पर भी विधान प्रारंभ होगा और स्वधर्म इंद्र बना दिया रहेगा तो क्या बोलोगे आप कि ये देव बन गया। आपने कार्यक्रमों में देवों को तो देखा होगा, लेकिन आज तक कभी भी कार्यक्रमों में आपने नारकियों को देखा गया? वो बताते ना कि ये स्वधर्म स्वर्ग से देव आ गया, पंचरंग हो, विधान हो, लेकिन कभी बताया जाता है कि ये सातवें नरक से नारकी आ गया? बताया जाता है क्या? बताया जाता है क्या? नहीं बताया जाता। तो कहने का मतलब है कि चार गति में से दो गति के जीवों को आप देख सकते हो, तीसरी गति के जीव कैसे होते हैं ऐसी कल्पना कर सकते हो। लेकिन ये बात भी उतनी शब्द है कि भगवान की आराधना, भगवान की पूजा, भगवान का भजन, और यूं कहना चाहिए कि खुद भोजन करने के पहले गुरुओं को आहार कराने का यदि पुण्य मिलता है तो यह मात्र मनुष्य जाति के देव को मिलता है, अन्यत्र कोई भी जाति को देव को नहीं मिलता। स्वर्ग के देव भगवान को, महाराज को आहार नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि वहां पर संयम का अभाव है। वैराग्य अनुमोदन करने लोकांतिक देव आते हैं, लेकिन आहार देने नहीं आते। और यदि कदाच देवगण आहार देने आ जाएं तो मुनियों को प्राश्चित करना पड़ता है। एक कथानक आपने सुना कि 6 महीने तक नगर बसाकर आपने पढ़ा है, आहार दिया फिर महाराज को, वहां पर जब कमंडल लेने गए तो कुछ भी नहीं था, तो उनको प्राश्चित करना पड़ा, क्योंकि देव गति में संयम का भाव है। नरक में तो कुछ है ही नहीं और त्रैंचों को आप सामने देखते हो, तो बचे कौन? मनुष्य बचे। और ये आपका पुण्य है कि आप मनुष्य गति में जन्म लेकर जिन्हें धर्म के आराधक हो, जिन्हें धर्म को करने वाले हो, जिनेंद्र भगवान की वाणी को सुनने वाले हो, जिनेंद्र भगवान की दर्शन करने वाले हो। वैसे मंदिर जी में भगवान जी विराजमान हैं और जिनवाणियां विराजमान हैं, लेकिन मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि मंदिर में आप रत्नत्रय का अर्घ डेली चढ़ाते हो, लेकिन मंदिर में रत्नत्रय की पूर्णता जब होती है कि जब देव, शास्त्र और गुरु आपके सभा मंडप पर हो जाएं, उस दिन आप कहते हो कि हमारे मंदिर में देव, शास्त्र, गुरु विराजमान हैं। और ऐसा पुण्य हर किसी को प्राप्त नहीं होता कि देव, शास्त्र, गुरु। दिल्ली में कितने मंदिर हैं? 200+, NCR में 300+, लेकिन विधान में कितने हो रहे? हो सकता है 150 जगह, लेकिन उन 150 जगहों में पुण्यशाली वे लोग होते हैं जहां पर गुरु सानिध्य में विधान की आराधना होती है। तो इस वर्ष आपका भी फागुन माह का पुण्य आ गया कि 24वें नंबर के भगवान, 24वां साल और संतों के सानिध्य में यहां पर सिद्ध चक्र महामंत्र उठा। निश्चित रूप से शिक्षक विधान की आराधना के पहले दो शिवचक्र विधान ऐसे होते हैं जिनके प्रारंभ में निर्वाण लड्डू आता है। कौन कौन से? कौन कौन से माह के बताइए? कौन कौन से माह के? एक तो जो आषाढ़ मास का आता है, सप्तमी के दिन नेमिनाथ भगवान का लड्डू आता है, फिर अष्टानी का चालू होती है और यहां पर चंदा प्रभु भगवान का निर्वाण लड्डू चढ़ाया जाएगा। मनीष जी कल चढ़ाएंगे लड्डू? चढ़ाएंगे बोल रहे। कल बड़ा सुंदर सा लड्डू यहाँ पर चढ़ाया भी जाएगा और बता रहे थे कि पहली बार ऐसा सुंदर सा लड्डू तैयार करवा रहे हैं, तो लड्डू चढ़ाया जाएगा, सारा का सारा काम संपन्न होगा और उसके बाद भगवान जिनेंद्र की आराधना प्रारंभ हो जाएगी। सुंदर सा वातावरण है, सुंदर सा प्रसंग है। और अष्टादी का पर्व तीनों मनाए जाते हैं। परिश्रम पर्व भी साल में कितने बार आते हैं? 3 बार मनाते। कितने बार? कितने बार मानते हो? 1 बार। क्यों? क्योंकि बोले पर्युषण पर्व मनाएंगे तो कहीं ना कहीं त्याग की बात है, अष्टानी का पर्व मनाएंगे तो त्याग की बात ज्यादा नहीं है। क्योंकि पर्युषण पर्व में यदि आप किसी के मित्र के आ जाओ और आप कह दो कि पर्युषण चल रहा है,
आपका चाय पीने का मन भी होगा तो चाय लेकर नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि जैनी पर्युषण पर्व में बाहर खाते नहीं है, लेकिन अष्टानिका में जाओगे तो उसको पता नहीं है। इसलिए समाज के लोग कहते महाराज एक बार 10 दिन कर लेते वही बहुत है, नहीं तो माघ में भी आता है, चैत्र में भी आता है और भाद्रपद में भी आता है, और अष्टानिका फागुन में, आषाढ़ में और कार्तिक मास की आती है। तो निश्चित रूप से जब मैना सुंदरी के पति को कुष्ठ रोग दूर हुआ था तो जैन भगवान के अभिषेक से गंधोदक से उन्होंने अपने पति का कुष्ठ रोग दूर हो गया, तो आप भगवान की आराधना करोगे तो हो सकता है जीवन में कुष्ठ जैसे रोग कभी आपके हो ही ना। बस सच्ची श्रद्धा भक्ति से करने का प्रयास करो, जैन भगवान के जीवन में जो बात कही गई है उस पर श्रद्धा रखने का प्रयास। लेकिन आज वर्तमान में हम देखते हैं कि मंदिर में विधि विधान भी करते हैं, गुरु के उपदेश को भी सुनते हैं। यहाँ हमने पहले सालू जी, मोनिका जी, उन्होंने सबने को भी चलाई, रीतिका जी क्लास भी चलाई थी और चल भी रही होगी संस्कार के अनुसार, तो बच्चों क्लास भी चलाई, सब कुछ करते हैं। लेकिन इतने होने के बाद पूछा जाता है कि मंदिर के भगवान महावीर स्वामी कौन से हैं, मूल नायक हैं। नीचे की विधि में पारसनाथ भगवान हैं, लेकिन कोई पूछे कि इनके प्रथम आहारदाता कौन हैं? भगवान महावीर स्वामी मंदिर के मूल नायक हैं, आप उनके माता पिता का नाम जानते हो, जन्म कहां पर हुआ उस पर चक्करबाजी चल रही, लेकिन तो भी जानते हो। लेकिन उसके बाद में आपसे पूछे कि भगवान को आहार देने वाले पहले कौन है? कितने धर्मात्मा जीव है अपन। तो ऊपर वाली वेदी के सबने बता दिया कि राजा कुल, और नीचे वाले जब पारसनाथ भगवान की वेदी है तो उनके कौन है? महाराज जी आप सब पूछ लोगे, सब मालूम था। तो राजा धनदत्त क्या है, राजा धनदत्त ने गुलमखेट नगर में उन्होंने आहार दिया था, और कुल में राजा कुल ने आहार दिया था कुलग्राम में। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जीवन में प्रसंग बहुत से हैं, हमारे साथ में प्रसंग बहुत सारे आते हैं, लेकिन उन प्रसंगों का लाभ जो उठा लेता है उसके जीवन का कल्याण हो जाता है। मंदिर समिति ने प्रयास करके संतों को लिया, सुंदर सम्मान बना दिया, सुंदर से वस्त्र परिधान भी दे देंगे, लेकिन उन सुंदर से वातावरण को और सुंदरमय यदि आपको बनाना है तो आपको अपने पुण्य को जागृत करना पड़ेगा। अभी रस्ते में बता रहे थे लोग, कमेटी वाले अध्यक्ष जी, मध्य जी, संजोग जी, बोले हमारे यहाँ लोग इतने ही हैं, तो मैंने आगे पीछे देखा कितने लोग, मैंने सोचा इनमें से एक भी मेरे साथ में आ जाए तो ये बोलेंगे इतने ही लोग बोलते, इतने लोग हैं, ये कितने लोग हैं महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति भगवान जैन के चरणों में जाकर श्रीफल चला लेता है वह और महत्वपूर्ण बन जाता है। क्योंकि मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि पुण्य उदय हर किसी का नहीं होता कि वह मंदिर में आकर जैन भगवान की पूजा सेवा कर सके। यदि पुण्य उदय होता तो अभिषेक करने वाले ज़्यादा और देखने वाले कम होते, लेकिन देखने वालों को इतना पुण्य नहीं है। पुण्य है कि मंदिर में आ गए, लेकिन पुण्य नहीं है कि धोती दुपट्टे बदल के भगवान के मस्तक पर कलश डाल सकें। क्योंकि ऐसे बहुत बिरले जीव होते हैं जो अपने पुण्य को और पुण्य बनाते हैं। कई जगह तो मंदिर में बारी चलती है कि गुरुवार उसका, शुक्रवार उसका, शनिवार इसका, रविवार इसका, और यदि मान लो शनिवार वाले की बारी नहीं है तो बड़ी चिंता हो जाती, आएगा कौन? अरे बल्कि होना तो ये चाहिए कि महाराज मंदिर में अभिषेक पूजा करने वाले इतने सारे लोग हैं कि मेरी बारी आती ही नहीं, ये जिस मंदिर में जिस जिनाले में हो जाएगा समझ के चलना कि वहां के लोगों के आपस में वारी न्यारे अपने आप हो जाएंगे। सोचता हूं मंदिर में ठंडी का समय होता है तो अभिषेक का समय बदल जाता है, गर्मी का समय होता है तो अभिषेक का समय बदल जाता है, बरसात का समय होता है तो अभिषेक का समय बदल जाता है। यहां पता नहीं क्या, नहीं तो कई मंदिरों में व्यवस्था है ठंड में अलग, गर्मी में अलग, बरसात में अलग। लेकिन मैं सोचता हूं कि हे भलमानस, कभी कभी ट्रेन का भी टाइम तो बदलवाओ कि ठंडी चल रही है तो ट्रेन जो 5 बजे चलती है वो 5:30 बजे चली जाएगी, उसमें तो 4:30 बजे उठ के ट्रेन पकड़ना ही पड़ेगा। लेकिन जिनेंद्र भगवान की भक्ति पूजन के लिए टाइम क्या है, क्या चल रहा है, क्या हो रहा है? देखिए लेट तो कुदरती हो जाता है, तो फोक पड़ जाएगा तो मंदिर आने में लेट हो जाओगे आप, वो कोई अलग चीज़ है, वो कुदरत की व्यवस्था है, लेकिन टाइम टेबल की व्यवस्था नहीं है। कभी उसने नहीं कहा कि ट्रेन ठंडों में आधे घंटे लेट से चली, कभी मैंने नहीं सुना आज तक, आपने सुना हो तो पता नहीं। वो तो कुदरती व्यवस्था है, बरसात हो जाए, पानी हो जाए, कुछ भी हो जाए। तो जो है जीवन है, जीवन में अपने आप को अच्छा बनाना है, अपने साथ को सही करना है तो अपने जीवन का कल्याण करना है। प्रभु भक्ति
समय पास करने के लिए ना हो, प्रभु भक्ति समय सुधारने के लिए हो, तो आपके जीवन का निश्चित रूप से कल्याण हो जाएगा। पात्र चयन तो उन्होंने पहले कर लिए, स्वधर्म कुबेर यज्ञनायक मैंने सुनियादि आदि जो भी पात्र होते हैं संभवतः उन्होंने सारे पात्र बना लिए, पुण्यार्जन करने वालों ने पुण्यार्जन कर लिया। लेकिन जो लोग कुछ नहीं बन पाए कोई बात नहीं, आज यहाँ पर बैठकर आराधना करते समय ये सोचना कि अगली बार कब जब शिक्षक विधान हो, गुरु सानिध्य हो, तो अगली बार मुख्य पात्र बनकर हम बैठकर आराधना करें, क्योंकि जो लोग आज बने हैं इन्होंने कहीं ना कहीं पूर्व में अनुमोदना करी होगी, उसकी फलश्रुति आज ये बन पा रहे हैं। और आप यदि आज आराधना करोगे, बैठकर भावना भावोगे, तो आपको भी कहीं ना कहीं जीवन में पुनर्जन्म होगा। जितने भी जीव संसार में हैं, आप देखते हो जब आदिनाथ भगवान का प्रसंग आता है कि आदिनाथ भगवान का जब आहार हुआ तो उनकी आहार की अनुमोदना त्रियंचों ने भी करी थी। कौन कौन से त्रियंच ने? सर्प ने, नेवला ने और सूकर ने, बंदर ने, किसने करी? तो आहार दान की अनुमोदना त्रियंच गति का जीव भी करता है। तो आप तो मनुष्य गति के जीव हो, आप रोज संतों के आहार में नहीं पहुंच सकते कोई बात नहीं, रोज नहीं पहुंच पाते कोई बात नहीं, लेकिन जब आपकी नगर में आपकी कॉलोनी में हैं तो यदि कम से कम आहार दे रहे तो अच्छी बात है, और नहीं रहे तो कम से कम एक बार आहार लेते हुए के जाओ। आज पिछले जब हम कई राज्यों में जाते हैं तो हम देखते हैं कि लोग आहार देखने के लिए हजूम उड़ता है, उनसे पूछते लोग कि आहार क्यों देख रहे हो, बोले महाराज जी को आहार लेते देखते हैं तो हमारे घर में जो भोजन है वह स्वयं सात्विक हो जाता है और भोजन में अलग ही स्वाद आ जाया करता है, क्योंकि निर्गंध साधु का हम आहार देख पा रहे हैं। कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, श्री विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन गुरुग्राम, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन सिविल लाइंस दिल्ली, श्री राजन जैन, श्रीमती मोनिका जैन जनकपुरी दिल्ली, श्री अनिल जैन, श्रीमती मधु जैन परिवार पोलो रोड दिल्ली, श्री राजीव जैन, श्रीमती संजुला जैन परिवार गुरुग्राम।